नमस्कार, मैं हूं मनोज तिवारी और आप देख रहे हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेस न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं दिनभर की कुछ खास खबरों के साथ। वन विभाग के कंप्यूटर ऑपरेटरों द्वारा नियमितीकरण को लेकर भोपाल में विशाल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश भर से बड़ी संख्या में वन विभाग के कंप्यूटर ऑपरेटरों ने एकत्रित होकर नियमितीकरण को लेकर जमकर नारेबाजी की। प्रदेश अध्यक्ष श्याम चौधरी ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि हम लोगों को 20 से 25 वर्ष वन विभाग में कार्य करते हो गए हैं, फिर भी प्रशासन हमारे ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जबकि अन्य विभागों में हमसे बात वालों को नियमित कर दिया गया। सरकार वन विभाग के कंप्यूटर ऑपरेटरों से दोगुना व्यवहार कर रही है। ऑपरेटरों द्वारा 10 से 15 घंटे कार्य किया जाता है, निरंतर दिए जा रहे हैं और अभी तक उनके साथ भविष्य में अभी तक हमको ये डर लगा रहता है कि अगले क्षण हमारे साथ क्या हो जाए, कि हमको जॉब से निकाल दिया जाए, और अगर जॉब से निकाल दिया जाता है तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हमारी उम्र इतनी हो चुकी है कि हम दूसरी जगह कार्य क्या करेंगे, दिहाड़ी मजदूरी कर नहीं सकते, दूसरा काम हम कर नहीं सकते। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि कम से कम कुछ तो दया कीजिए वन विभाग के कंप्यूटर ऑपरेटरों के ऊपर, जैसे अन्य विभागों के ऊपर आपने लाभ दिया है और उनको नियमितीकरण की प्रोसेस में ला लिए हैं, कम से कम उतनी ही हमारे साथ कर लीजिए। महिला कंप्यूटर ऑपरेटर ज्योति सोनी, संगीता, उमा भारती ने कहा कि मुख्यमंत्री जी हम लाडली बहनों पर भी ध्यान दें, नियमित कर देंगे, पर अभी तक हमको कोई इसका वो नहीं मिला है लाभ। हाँ, कोई लाभ नहीं मिला है। और मामा जी लाडली बहना योजना, कई सारी योजनाएं चलाए हैं जिनसे सबको लाभ मिल रहा है, पर हमको कोई लाभ नहीं मिला। अब अभी रोजगार सहायक अन्य विभागों में सभी को रेगुलर किए हैं, इसलिए हमको मामा जी से फिर से पुनः निवेदन है कि हम लोग सभी भाई बहनों को नियमित कर दिया जाए। अब यदि नियमित नहीं करेंगे तो हम अपना ये पूरा जितने भाई बहन हैं मामा जी के वहाँ जाकर प्रदर्शन नहीं करेंगे, निवेदन करेंगे कि हमको रेगुलर कर दिए दें। हमारी बताइए क्या लाइफ है, कोई लाइफ नहीं है। हम रविवार को भी ऑफिस जाते हैं, सप्ताह में पूरा दिन काम करते हैं, कोई हमको छुट्टी नहीं मिलती है, मातृत्व अवकाश नहीं मिलता है। अब हम लोग भी तो बहन हैं, हमको भी कुछ लाभ मिलना चाहिए, हमको कोई लाभ नहीं मिलता है मामा जी के। तो इसलिए हम मामा जी से निवेदन कर रहे हैं कि हमको सब लाभ प्रदाय करें, संविदा करें या नियमित करें, कुछ भी हमको करें, मतलब हमारा कोई लाइफ कोई वो नहीं है भविष्य की, कितनी टाइम हमको सरकार हमारे वो वरिष्ठ। नियमित ना होने के कारण हमें प्रसूति अवकाश के दौरान सैलरी तक नहीं मिलती, इसलिए हम लाडली बहनों पर मामा जी ध्यान देते हुए नियमित करें। कार्यक्रम में शहडोल, झाबुआ, इंदौर, जबलपुर, सागर, दमोह, बैतूल, सारणी सहित अन्य जगहों से वन विभाग के कंप्यूटर ऑपरेटरों ने शामिल होकर नियमितीकरण की मांग रखी। आनंद रजक, बुंदेलखंड एक्सप्रेस न्यूज, भोपाल। फिलहाल के लिए इतना ही। बुंदेलखंड की ताजा तरीन तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए बुंदेलखंड एक्सप्रेस न्यूज के साथ।